देखिए, हमारी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी को मदद करने का फैसला इसलिए लिया कि हमने ये सोचा कि अगर हमारे दो वोट के जरिए अगर हम लाखों लोगों का फायदा पहुंचा सकते हैं, तो हमने महाविकास आघाड़ी, जिसके अंदर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, उन्हें वोट देने का फैसला लिया है। लेकिन हमारी कुछ शर्तें थी, जैसा हमारे जो दो विधायक है धुलिया और मालेगांव के, इनके क्षेत्रों का विकास किया जाए करके। हमने उनको बताया है कि किस तरह से हमारी उन इलाकों की अनदेखी की जा रही है। जब ये लोग चुनकर आए हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ की जनता चाहती है कि मेरा विधायक, मेरा आमदार जो है वो वहाँ का विकास करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही थी। अब हमने उनको ये बताया है कि हम आपको वोट दे रहे हैं, आप हमारे इन क्षेत्रों का विकास करें। तो क्षेत्र का विकास तो एक अहम मुद्दा ही था, लेकिन साथ ही साथ हम सामाजिक कुछ मुद्दे जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, जैसा हमने सरकार को ये बताया है कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी वक्फ की ज़मीनें हैं, उन वक्फ की ज़मीनों के ऊपर जो सरकारी दफ्तर है, सरकारी ऑफिसेज है, एक ऐसा कानून लाया जाए कि ये सभी सरकारी ऑफिसेज रेडी रेकनर रेट के हिसाब से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को इसका रेंट दे, इसका किराया अदा करे। साथ ही साथ MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से हमेशा ये रहा है कि एक माइनॉरिटी का मेंबर वहाँ पर होता है, लेकिन इस बार नहीं है, नई ही अपॉइंट किया जा रहा है। तो हमने सरकार से ये मांग की है कि MPSC के अंदर एक माइनॉरिटी का मेंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ कई सालों की जो मांग है मुसलमानों की कि हमको भी रिजर्वेशन दिया जाए करके, और जो हाईकोर्ट ने अप्रूव किया है, इसके बारे में हमने चर्चा की और हमको सकारात्मक जब मिला हमें आश्वासन सरकार की तरफ से, तब हमने ये फैसला लिया कि चलिए हम हमारा दो वोट देकर लाखों लोगों के फायदा करते हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।